सॉरी टू से तो मुझे जो सही लगा वो मैंने कह दिया। अरे एक ऐसा इंसान जो प्राउडली कहता है कि मैं अपने छोटे भाई और उसकी बीवी का असिस्टेंट हूँ, ऐसी बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। रश्मि, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है इसलिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी हक नहीं बनता किसी की इस तरह इंसल्ट करने का। मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जगह तू भी होती तो तेरा भी जवाब ना ही हो। नहीं रश्मि, मेरे लिए शक्ल सूरत से ज्यादा सीरत मायने रखती है, और जो इंसान खुशी खुशी अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ इंसान का साथ मिलना किसी भी लड़की की खुशनसीबी होगी। ये तो बड़ा अच्छा संजोग है आभा, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। तुम बात करो जी। प्रियंका जी, आपके जैसे विचार हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी बातों से झलक रहे हैं। ऐसी ही लड़की की तलाश है हमें अपने वीर भैया के लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपके माता पिता से बात करें इस रिश्ते के लिए। आपा जी, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, आपको हमारे माता पिता से बात करनी होगी, वो ही ये फैसला लेंगे, और उनका फैसला ही हमारा फैसला होगा। आपसे एक गुजारिश है। कहिए। अगर आप हमें प्रियंका के माँ बाप से बात करवा दें तो बहुत एहसान होगा आपका। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। 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 आंटी जी, हम भी चलते हैं। अरे बेटा तुम तो रुक जाओ, अभी हवन शुरू होने वाला है और फिर तुम्हारे माता पिता भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम हवन के लिए रुक जाते हैं। लगी तो नहीं बेटा, कहाँ ध्यान है आपका? अगर बच्चे का हाथ जल जाता तो लगता है आपने बच्चे से कभी दूर नहीं रही हैं। कभी से दूर रहना पड़ा ना तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे से दूर रहने का दर्द क्या होता है। पहले हवन कर लेते हैं, फिर रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है ना? आइए। अरे श्याम जी, वो ठाकुर साहब को कहीं देखा क्या तुमने? थोड़ी देर पहले ठाकुर साहब को जाते हुए देखा मैंने। क्या ढूंढ रहे हैं आप? कैसी कहानी है वकील साहब, जो वक्त की धूल के नीचे दबी है, लेकिन न जाने क्यों शायद आज हमसे वो फिर से कुछ कहना चाह रही हो। जैसे क्यों इतिहास के पन्नों को खोलना चाह रहे हैं ठाकुर साहब? नहीं, मत खोलिए इतिहास के पन्नों को, जिसमें आपको भी पता और मुझे भी। ये राज राज ही रहने दीजिए, बच्चों को ये राज बताना उचित नहीं। पिताजी,